वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चल रहे पीएम मोदी ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का जो सपना दिखाया, क्या वो उनके तीसरे कार्यकाल में पूर्ण हो पाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने ठाना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और ये बात जग जाहिर है कि विश्व गुरु के बगैर विकसित राष्ट्र की पिक्चर अधूरी है। इतिहास गवाह रहा है कि मौर्य वंश में चाणक्य ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर भारत वर्ष को विश्व गुरु के खांचे में फिट किया। अब अगर भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है तो सनातन और ज्ञान परंपरा के बल पर ही ऐसा मुमकिन है, और जिसके लिए जन जन के बीच संस्कृत का ज्ञान कितना जरूरी है, इस पर बोलते हुए वृंदावन धाम से सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है, जिस पर अमल करके ही पीएम मोदी विश्व गुरु के सपने को हकीकत बना सकते हैं, देखिए इस वीडियो में। ये श्रीमद् भागवत केवल ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के श्लोकों का वाचन करके चले गए और जन सामान्य को पता तक न चला। 10 करोड़ श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोग हैं, और अब संस्कृत जानने वाले लोगों की संख्या सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इस भारत में संस्कृत कितने लोग जानते हैं। संस्कृत का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि नासा ने भी यह मान लिया है। अब तो नासा बोले बिना काम चलेगा नहीं, अब नासा तय करेगा कि क्या होगा। नासा बता रहा है कि कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेंगे, नासा बता रहा है कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेंगे। अरे हमारे बलदेव में आज के 60 साल 100 साल पहले ही हमारे पंडित जी झोले में पोथी और पत्रा लेकर के शंख निकाल के बता देते थे कि बुधवार को 7:30 बजे चंद्र ग्रहण लगेगो। तब नासा कहां था, और 7:30 बजे लगता था। अगर बता दिया इतने बजे इतने महीने में सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, तब अरबों रुपए लगा करके नासा कहां था, झोले में पोथी और पत्री में नासा भरा हुआ था। ये भारत वो स्थान है, भारत की वो संस्कृति है, वो हमारा संस्कृत भाषा है। तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो इसलिए तुमको लगता है कि अंग्रेजी में इन्वेंशन हुए हैं। कोई जाकर के बल्ब बना गया, कोई जाकर के वायुयान बना गया, कोई रेलगाड़ी बना गया। अरे संस्कृत पढ़ो, उनसे हजार गुना उन्नत, चाहे विज्ञान हो, भाषा हो, साहित्य हो, सब में हजार गुना लाख गुना उत्तम हम हैं। कोई शेक्सपियर और कोई लॉन्गफेलो और दुनिया का कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जो हमारे कालिदास, श्रीहर्ष, वाग्भट इनका महाराज कोई साहित्य में इनके समकक्ष भी खड़ा हो सके, कालिदास के कोई समकक्ष खड़ा हो सके, है कोई? ये शेक्सपियर खड़ा होंगे कहां से? खड़ा होगा बेचारा शेक्सपियर, जो कहता है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, एंड हाउ इज इट पॉसिबल? सिंपैथी चाहिए तुमको गोल्ड? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आपको सहानुभूति चाहिए? अरे ये लड़का है कि गया, समृद्धि ज्वेलर्स वाला है कि भाग गया? गया, हाँ, उससे पूछते कि तू बता बेटा कि तेरे को हम सिंपैथी दें कि 1 किलो सोना देकर हमारा सोना दे दो, सिंपैथी क्या करेंगे? तो कहता है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, कहने की बातें हैं साहब, सब बदल गया है, गोल्ड चाहिए। परंतु आप जब अपने लेखकों के, अपने उन महान आर्ष ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे, अब तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत हो गई है, और आपकी कोई गलती नहीं। मैं हाथ जोड़कर, आप कभी मेरी बातों का थोड़ा भी क्षोभ मत मानना, आपका कोई भी गलती इसमें नहीं है, इसलिए कि यह दुनिया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया का है। जहां रुपया मिलेगा मनुष्य जुड़ेगा, वहीं पर आपके संस्कृत को दबा दिया गया, संस्कृत की भाषा को हटा दिया गया। संस्कृत पढ़े लोग 18,000 श्लोक याद हैं वृंदावन में, हमारे यहां पर बलदेव में, गोकुल में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं, पर उन विद्वानों को कौन जानता है, कहां सम्मान है उनका? संस्कृत के सम्मान को कम कर दिया गया, पर जिसको न अपनी भाषा आती है न कुछ भाषा आता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, जींस फाड़ के पहनता है, वो हमारा हीरो बना हुआ है। मेरे भारतवासियों, जब तक आप ईमानदार लोगों का और अपनी संस्कृति मानने वाले लोगों का, संस्कृत में विद्या अध्ययन कर रहे लोगों का, भगवान देवी देवताओं पर विश्वास करके अपने जीवन को सुंदरता से जीने वाले लोगों पर अगर आप आस्था नहीं करोगे और उनका सम्मान नहीं करोगे तो कुछ भी बोलते रहो, अगर लंपटों का सम्मान होता रहा तो दुनिया में लोग लंपट ही बनना चाहेंगे, कोई भी विद्वान बनना नहीं चाहेगा, कोई भी भारतीय संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहेगा। सम्मान करना होगा आपको।
अगर इस स्टेज पर कोई बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो और इसी स्टेज पर भारत के सनातन संस्कृति को जानने वाले, संस्कृत को मानने वाले और लोगों तक संस्कृत पहुंचाने वाले, अपने देवी देवता, अपने भगवान और अपनी संस्कृति के प्रचार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनके घर में केवल 2 जून की रोटियां बनती है, अगर बड़े बड़े लोग भी यहां मर्सिडीज में खड़े हों और मंच पर अगर सम्मान उनका हो जिन्होंने संस्कृति फैलाई है, तो भारत बदल जाएगा और संस्कृत का सम्मान होना शुरू होगा। तुम नहीं करोगे वो धक्के खाएंगे, उनको गार्ड हटा देगा, उनको मंच पर नहीं आने दिया जाएगा और तुम कहते हो हमारी संस्कृति बचेगी। सम्मान करोगे तुम कुसंस्कृति वालों का, सम्मान करोगे तुम उन बिलायती बोल वालों का, देशी मुर्गी बिलायती बोलों का, और तुम सपने देखोगे कि एक दिन भारत सोने की चिड़िया फिर बनेगी, एक दिन भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। कहां से बनेगा? सपना देख रहे हो? विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु, जनसंख्या ही तुम्हारी ठीक ठाक नहीं बची है, विश्व गुरु, अपने राज्य में गुरु रह जाओ यही बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश बच जाए यही बहुत बड़ी बात है, बलदाऊ जी के नगर में बड़े आराम से रह सको, अपनी यात्राएं निकाल सको, भारत के बच्चे खड़े होकर के भारतीय विधा, भारतीय सनातन संस्कृति, ध्रुव प्रह्लाद की तरह जी सकें, लोगों को सनातन की शिक्षा दे सकें, आनंद का वितरण कर सकें, ये हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। ये भारत विश्वगुरु 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 ये सपना देखना बंद कर दो। ये श्रीमद् भागवत केवल ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के श्लोकों का वाचन करके चले गए और जन सामान्य को पता तक न चला। 10 करोड़ श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोग हैं और अब संस्कृत जानने वाले लोगों की संख्या सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इस भारत में संस्कृत कितने लोग जानते हैं। संस्कृत का सम्मान होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि नासा ने भी यह मान लिया है। अब तो नासा बोले बिना काम चलेगा नहीं, अब नासा तय करेगा कि क्या होगा। नासा बता रहा है कि कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेंगे, नासा बता रहा है कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेंगे। अरे हमारे बलदेव में आज के 60 साल 100 साल पहले ही हमारे पंडित जी झोले में पोथी और पत्रा लेकर के शंख निकाल के बता देते थे कि बुधवार को 7:30 बजे चंद्र ग्रहण लगेगो। तब नासा कहां था? और 7:30 बजे लगता था, अगर बता दिया इतने बजे इतने महीने में सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, तब अरबों रुपए लगा करके नासा कहां था? झोले में पोथी और पत्री में नासा भरा हुआ था। यह भारत वो स्थान है, भारत की वो संस्कृति है, वो हमारा संस्कृत भाषा है। तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो।